Z5 पर वेब सीरीज रिलीज हुई है आज डर की राजनीति सीजन 3 है। पहले के दोनों सीजन्स बहुत हिट थे और अगर आपका इंटरेस्ट थोड़ा सा भी पॉलिटिक्स में है, पॉलिटिशियंस में है, वैसे लोगों में है जो पॉलिटिशियंस के संरक्षण से गैंगस्टर बनते हैं, तो ये आपके लिए है। बहुत सारे रीजंस हैं इसको देखने के। ऐसा कहते हैं कि अगर आपका जन्म यूपी बिहार में हुआ है तो पॉलिटिक्स में आपका इंटरेस्ट खुद ब खुद जागता है। एक ऐसी ही वेब सीरीज है ये। लीड कैरेक्टर प्ले किया है विनीत कुमार ने हारून शाह अली बेग का। रियल इंसिडेंट्स और ट्रू इवेंट से इंस्पायर्ड है कहानी, ऐसा मेकर्स का कहना है। लेकिन अगर आप इसे देखते हैं, जैसा कि ट्रेलर आने के बाद बहुत ही ज्यादा ये बात हुई थी कि ये मोहम्मद शहाबुद्दीन के ऊपर बेस्ड होगी, और जो देख पाएंगे और रिलेट कर पाएंगे वो कहेंगे 100% उन्हीं की कहानी है। थोड़ा सा चेंज किया गया है लास्ट के दो एपिसोड्स में, और जिन बड़े कारनामों कांडों के लिए उन्हें जाना जाता रहा है, सीवान से 4 बार सांसद और बिहार की राजनीति में 2 बार विधायक रहे मोहम्मद शहाबुद्दीन, इनके ऊपर बेस्ड है। और कैरेक्टर इतना जबरदस्त प्ले किया है विनीत कुमार ने, 18 साल से लेकर के 40 साल तक की उम्र का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, 3 दशक यानी 30 साल के एक इंसान के किस्से जीवन कहानी को इसमें दिखाया जा रहा है। 6 एपिसोड हैं, ऑलमोस्ट 40-40 मिनट के, और इतने इंटरेस्टिंग तरीके से बनाया गया है। एपिसोड शुरू होता है तो फ्लैशबैक से स्टार्ट होता है और उसके बाद फिर रियल टाइम पर आता है। जब एंड होता है तो फिर उसी फ्लैशबैक के फोटोज और वीडियोज आपको नजर आते हैं, और आप एक बार में 6 के 6 एपिसोड देख जाना चाहेंगे। क्राइम थ्रिलर है, रियल लाइफ इंसिडेंट्स पर बेस्ड है, लेकिन एक्स्ट्रा आपको कुछ नहीं मिलेगा, ना तो खामखा के एक्शन, ना ही बेसिर पैर वाले डायलॉग, ना ही वल्गर स्टफ, कुछ भी आपको एक्स्ट्रा नहीं मिलने वाला है। हर एक फ्रेम को, हर एक सीन को जस्टिफाई किया है विनीत सिंह ने हारून शाह अली बेग के कैरेक्टर में, और बखूबी इनका साथ निभाया है आकांक्षा सिंह ने सना के कैरेक्टर में। आपको गीतांजलि कुलकर्णी नजर आती हैं अहिल्या देवी के कैरेक्टर में, आपको प्रशांत नारायण नजर आते हैं पुलिस अधिकारी राघव कुमार के कैरेक्टर में, मुकुल कुमार के कैरेक्टर में आपको नजर आते हैं प्रशांत तैलंग, और लखन राय के कैरेक्टर में आपको नजर आते हैं विजय मौर्य। छोटे बाबू के सबसे छोटे बेटे का कैरेक्टर प्ले करते हुए आपको नजर आते हैं अशोक पाठक, यानी पंचायत के विनोद। जस्टिफाई किया है इन्होंने इस कैरेक्टर को, और कहीं कहीं आपको भोजपुरी भी बोली जाती हुई सुनाई पड़ती है डायलॉग्स के बीच में। जितने शानदार तरीके से इसे डायरेक्ट किया गया है सचिन पाठक के द्वारा, उससे उम्दा तरीके से इसे लिखा गया है सिद्धार्थ मिश्रा के द्वारा। बैकग्राउंड म्यूजिक स्नेहा खमालकर का है और बहुत ही जबरदस्त है। एंड में जब ये वेब सीरीज खत्म हो रही होती है, लास्ट एपिसोड में जिस समय हारून शाह अली बेग का कैरेक्टर मरता है, वहां पर लिरिक्स आते हैं, बोल आते हैं गानों की, और आवाज कैलाश खेर की होती है। इसे आप 2 रीजन से देख सकते हैं। अगर आपने बिहार यूपी की राजनीति को देखा है, 80 और 90 के दशक की राजनीति को और पृष्ठभूमि को अगर आप जानते हैं थोड़ा सा भी, तो आपको यह लगेगा कि ये देख लेते हैं अगर शहाबुद्दीन के ऊपर है तो क्या क्या दिखाया गया है, ये आप देखना चाहेंगे। अगर आपका जन्म 90s के बाद हुआ है, 2000 के बाद हुआ है, तो आपको ये लगेगा कि ये इंसान कौन था, इसलिए देख लेते हैं। और इन सब के अलावा आप इसे इसलिए देखें कि विनीत सिंह ने उम्दा तरीके से परफॉर्म किया है। वो पूछते हैं कि हम कौन है गालिब, तुम बतलाओ कि हम बतलाएं क्या। इस वेब सीरीज के बाद विनीत सिंह को यह बताने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी कि वो कितने उम्दा कलाकार हैं और कितने बेहतरीन ढंग से कैरेक्टर्स प्ले कर सकते हैं। और मैं ये बता दूं कि मेरा नाम आरजे प्रसून है, आप देख रहे हैं शो टाइम विद आरजे प्रसून। मिलूंगा आपको इसी चैनल पर अगले वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखें, थैंक यू।